अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं तआवुन के बारे में। और तआवुन जो है वो लास्ट इखलाकी कदर है जो कि इस चैप्टर से आपने पढ़नी है। इसके बाद तआवुन पढ़ेंगे। अभी हम जो तआवुन की बात कर रहे हैं तो तआवुन की जो ऑपरेशन है या तआवुन है वो किस तरह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अहम किरदार अदा कर सकता है, इस चीज को हमें देखना है। पहले हम देखेंगे कि तआवुन का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि तआवुन का मफहूम क्या है और फिर हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। पहले हम बात करते हैं मफहूम की। दूसरे की मदद करना और सरकार की वसूली के लिए मिलजुल कर कोशिश करना तआवुन कहलाता है। और इस्लाम ने तआवुन को अच्छाई के कामों के साथ जुड़ा है, यानी आप एक भलाई के काम में एक दूसरे के साथ तआवुन करें और जो बुराई के काम में हमें एक दूसरे के साथ तआवुन ना करें। जैसा कि सूरह मायदा की आयत है कि तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में तआवुन करो और गुनाहों से ज्यादती में तआवुन ना करो। तो ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन दे दी गई है कि तआवुन की कोऑपरेशन किस मकसद के लिए की जानी चाहिए और किस मकसद के लिए इसको मना फरमाया गया है। अब हम देखते हैं कि तआवुन की जो अहमियत है वो क्या है। जो माशरती जिंदगी है उसको गुजारने के लिए तआवुन बहुत अहमियत हामिल है। माशरती जिंदगी अलहदा नहीं गुजारी जा सकती। माशरे में फर्द एक इकाई की हैसियत रखता है और माशरा अफराद से मिलकर बनता है और इंसान जो है उसकी तबीयत में ये चीज शामिल है कि वो अकेला नहीं रह सकता और वो मिलकर एक दूसरे के तआवुन के साथ ही जिंदगी को गुजार सकते हैं। फितरी सलाहियतों को जला हासिल होती है। फितरी सलाहियतों की जला कैसे हासिल होती है कि आप देखें, जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तआवुन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो जरूरियात पूरी करते हैं एक दूसरे की, तो इस तरह से हर फर्द की अपनी स्पेशलिटी सामने आती है और अपनी शोबनेस को हासिल होती है। ठीक है, और आपको पता है कि जो तकसीम कार का असूल है वो भी इसी के तहत काम करता है। तकसीम कार का जो असूल है वो भी तआवुन के तहत ही काम करता है। वो कैसे, आपको पता है कि तकसीम कार हर फर्द अपने काम को ही रिपीट करता है। तो तमाम अफराद जब मिलकर एक एक काम करते हैं और काम को कंप्लीट करते हैं तकसीम कार का असूल जो है अमल दरामद हो सकता है। इंसान का तसव्वुर जिंदगी इस्लाम का तसव्वुर जिंदगी क्या है। उसमें अदल का कयाम, अदल का कयाम करने के लिए भी तआवुन जरूरी है। देखें, एहसान और अदल तआवुन के बगैर अमल में नहीं आ सकते। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो एक दूसरे तआवुन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, खुदा को जालिम हो या मजलूम। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह, मजलूम होने की सूरत में मदद कर सकते हैं मगर जालिम होने की सूरत में मदद कैसे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुल्म कर रहा हो उसे जुल्म करने से रोकना, उसकी मदद करना है। तो अदल का कयाम करना, जुल्म का खात्मा करना, इसके लिए तआवुन की बहुत जरूरी है। इसके बगैर तआवुन के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है।
ठीक है। और जो भी खूबसूरत माशरा दुनिया में इस्लाम की एक रूह के मुताबिक बनाया जाए उसकी बुनियाद तआवुन पर ही कायम हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दूसरे के बहन तो बहुत एक दूसरे पर रहम करने शक्को को मेहरबानी करने एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के बाहमी ताल्लुक को एक मजबूत दीवार से तशबीह दी है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट की मजबूती का पायस बनती है। तो इस तरह से ताबून जो है वो सुलह को खत्म करने और अदल को कायम करने का जरिया है। अब हम ये देखेंगे कि मईशत में ताबून इस तरह से मददगार हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मईशत में जाहिर है मुख्तलिफ हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, जैसा कि पहली है सर्फ, सर्फ और तावन है। ठीक है, सर्फ में आप तावन किस तरह से कर सकते हैं? सर्फ में तावन करने के लिए तावुन करने के लिए सबसे पहले हम जरूरी है कि जो इंसान अपनी जाती तस्कीन के हसूल की बजाय तावुन में सबसे पहले रजाए इलाही हकीकी फला और इलाही का असूल। ठीक है, हकीकी फलाह और रज़ा इलाही का असूल जो है वो तावुन के अंदर पहली चीज जो है उसको मद्देनजर रखनी होती है सर्फ में तावुन के लिए। और इसके तकाजों के मुताबिक वो जो अपना माल है सर्फ करता है तो दूसरे लोगों को भी इसमें शरीक करता है, दूसरों को तोहफे देता है, हदिये देता है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दौलत सर्फ करता है और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने खादिम वगैरह सब लोगों को उसमें शरीक करता है। दूसरी चीज है अहले हाजत की जरूरियात, अहले हाजत की जरूरियात को पूरी करनी। ऐसे लोग जो कि किसी ना किसी आफत का शिकार हो गए हैं, जरूरतमंद हैं, नादार हैं, उनको जरूरत पूरी करने के लिए माल को सर्व करें जो अल्लाह की तरफ से दिया गया है और आप अपनी जरूरियात पर उनकी जरूरियात को तरजीह दें, तो इसको तआवुन करार दिया गया है। ठीक है, अशिया की किल्लत और गिरानी रोकने के लिए आप ऐसी अशिया की खरीदारी ना करें जो कि जिनकी शॉर्टेज हो जाए और दूसरे लोगों की जो जरूरत है उससे पूरी ना हो सके और उससे चीजों की कीमतों में इजाफा हो, इसलिए आप ऐसी अशिया की खरीदारी कम से कम करें। तो ये तावुन है। और नुमाइशी सर्फ से इज्तनाब करें, यानी ऐसा सर्फ जिससे दूसरे लोगों की दिल आजारी हो, दिखावे के लिए आप कर रहे हैं तो वो ऐसा सर्फ ना करें, ये भी तावुन है। फिर बुखल और राफो इससे बचना जरूरी है, यानी दरमियानी राह अख्तियार की जाए, वसाइल बचाए जाएं ताकि वो वसाइल अपने असल जगह पर इस्तेमाल हो सके और तावुनी सरगर्मियों में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो ये है मईशत में के शोबे सर्फ में तावुन। दूसरा जो है यहाँ पे हम देखेंगे के पैदाइशी दौलत में किस तरह से आप तावुन को
इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किस तरह से अमल में ला सकते हैं. तो सबसे पहली चीज ये है कि मुखलसाना ताल्लुकात, مخلصانہ تعلقات ہونے چاہیے, یعنی جو آجر و مزدور کے درمیان تعلقات ہیں وہ بھی مخلصانہ ہوں, اور آجر و مزدور کے باہمی تعلقات مخلصانہ ہوں, اور تالے وغیرہ نہ ہوں, تالا بندی نہ ہو, آجر جو ہے احسان کا رویہ اپنائے اور مزدور جو ہے اپنے فرائض کو تنبہی اور محنت سے سر انجام دیں, تو اس کو تعاون کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ معاشرتی فلاح و بہبود مقصد ہونا چاہیے, مقصد ہونا چاہیے آپ کا صرف اپنا ذاتی منافع کا حصول مقصد نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ اس قسم کی پالیسیز بنائیں کہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں, مجموعی فائدے کے لیے ہوں, اور جگہ ایسی چنیں جہاں سے لوگوں کو آلودگی وغیرہ سے پریشانی نہ ہو, اور ایسی پیداوار کی مقدار رکھیں جس سے لوگوں کو ارزاں قیمتوں پر اشیاء خدمات میسر آ سکیں, اور طریقہ پیداوار ایسا اختیار کریں جس میں کم سے کم مصارف کے ساتھ اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہے کہ صارفین کے سے اجتناب کیا جائے, صارفین کے استحصال سے اجتناب کیا جائے, یعنی ان کو ضروریات کی فراہمی کی بھرپور کوشش کی جائے, ان کو مناسب مقدار میں مناسب قیمتوں پہ اشیاء کی فراہمی ہو. ٹھیک ہے, اور صارفین کے استحصال کے ساتھ ساتھ جو ہے آج اجارہ داری جو ہے اس کا سدباب ہونا چاہیے, اجارہ داری جو ہے وہ اس کو پسند نہیں فرمایا گیا. کیونکہ اجارہ داری صارفین کریں یا آجرین کریں دونوں ہی صورتوں میں یہ تعاون کے منافی ہیں, اور اس لیے اس کا سدباب کیا جائے. آجران کے باہمی تعلقات مقابلے کے بجائے تعاون پہ مبنی ہونے چاہیے. یعنی تمام آجرین جو ہیں آپس میں کاروباری افراد ہیں وہ مقابلہ نہ کریں بلکہ تعاون کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے کھینچتانی نہ کریں, ایک دوسرے کا منافع حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ حصول منافع میں اعتدال اختیار کیا جائے, یعنی ناجائز منافع خوری نہ کی جائے, اس کے لیے آپ شارٹیج آرٹیفیشل نہ کریٹ کریں, معیار کو نہ گرائیں, اور اس طرح سے آپ ذاتی مفاد حاصل کرنے کے بجائے اجتماعی فلاح کے کاموں میں اسے استعمال کریں, زائد آمدن کو دوسرے لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے استعمال میں لے کر آئیں. ٹھیک ہے, پھر مشترکہ وسائل سے معاشرتی بہبود کے منصوبے اس شروع کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مشترکہ وسائل سے معاشرتی بہبود کے آپ منصوبے شروع کر سکتے ہیں, اور تعلیم کے فراہمی, روزگار کی فراہمی, صحت و سماجی بہبود کے کام, اس کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں.
जो कारकुनान से उनकी सताव के मुताबिक काम लें, और अगर सख्त काम है तो उसके अंदर इनका हाथ बटाएं, ठीक है। तआवुन और शराकती कारोबार हो तो उसे खैर बरकत का सबब करार दी गया है। हदीस कुदसी है कि आप अगर अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो दो आदमी शराकती कारोबार करते हैं तो तीसरा इनमें इनके साथ मैं इनके साथ होता हूँ, यानी मेरी रहमत और बरकत इनके साथ होती है। तो तआवुन कारोबार में जो है उसको बड़ी अहमियत दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है तबादला दौलत और ताऊन। तबादला दौलत और ताऊन, तबादला दौलत में किस तरह से ताऊन को इख्तियार किया जा सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अशिया का लेन देन होता है, इसमें आप सबसे पहली चीज जो रखेंगे बाहमी रजा मंदी होगी, ठीक है। यानी जो भी लेन देन किया जा रहा है वो जुड़ो करार सुलम से पाक होना चाहिए, उस बाहमी रजामंदी से अमल में आना चाहिए, उसमें ताबुन होना चाहिए, ठीक है। और मयारी अशिया की कम कीमत होनी चाहिए, अशिया भी मयारी हो और कीमत कम हो जिनपे सारिफिन को मिले, तो ये भी ताबुन की एक शक्ल है। माशी तौर पर कमजोर अफराद की मदद होनी चाहिए, यानी उनको आप असल कीमत से कम कीमत पर उनकी जरूरत की अशिया फरहाम की जाए, उनको कीमत की वसूली में सहूलत फरहाम की जाए, ठीक है। इसके अलावा माल की सफाई और पाकीजगी का ख्याल करना जरूरी है, उसको जाज़िब नज़र बनाना, ये भी तावुन की शक्ल है। तहारत को नस ईमान कहा गया है, और ये अशिया के अंदर ना सिर्फ साफ सुथरी होनी चाहिए बल्कि पाकीजा भी होनी चाहिए। फिर अहद की पाबंदी होनी चाहिए, यानी जो भी आप वादा करें खरीद फरोख्त के सिलसिले में उसको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि शादी रबानी है कि अपने अहदों को पूरा करो। तो कारोबारी मामलात में इफाए अहद को हुस्ने खूबी के साथ पूरा करना चाहिए। और खरीदार की रहनुमाई, यानी जो फरोख्तकार है वो खरीदार की रहनुमाई करे इस सेंस में कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी अच्छी है, किसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, उसके लिए किस जरूरत के मुताबिक कौन सी शय मुनासिब रहेगी। ये जरूरी है कि वो कारोबार में तआवुन इस तरह से कर सकता है फरोख्तकार खरीदार के साथ, वो जरा मिलावट ना करे, धोखा ना करे, जरर वगैरह के सौदे ना करे, और ये जरूरी है कि तबादला दौलत में तआवुन के लिए इन चीजों का ख्याल रखा जाए। लास्ट वन इज तकसीम दौलत। तकसीम दौलत और ताबुन इस पे, यानी दौलत के तकसीम में यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में किस तरह से ताबुन को मद्देनजर रखा जा सकता है, इसको बुनियादी अहमियत हासिल है मईशत के इस्तेहकाम में, और दौलत की नाहमवारी जो है वो बहुत माशरे के लिए मफासिद का बायस बनती है और तरक्की माशी तरक्की में मनफी तौर पर असरअंदाज होती है। इसलिए तकसीम दौलत के निज़ाम को ताबुन की बुनियाद पर कायम करने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ इसमें यह है कि जो आमिलीन के मुआवजे, उनकी अदायगी जो है वो वक्त पर होनी चाहिए और उनकी मेहनत के मुताबिक उनके मुआवजे अदा होने चाहिए, उनकी शरायत पूरी होनी चाहिए, बल्कि हुस्ने अमल का मुजाहरा करते हुए थोड़ा ज्यादा देने का एहतमाम करें, तो ताकि वो अपनी जरूरियाती जिंदगी को पूरी कर सकें। तो इसको कहा जाता है तकसीम दौलत में तआवुन। और जो असहाबे सरवत हैं हाजतमंदों की हाजत
रवाई करें, यानी जो ऐसे अफराद हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत है, वो माशरे के माशरे तौर पर कमजोर अफराद जो हैं उनको मदद करें ताकि वो बेहतर हो सके, अपने मेयार जिंदगी को बेहतर बना सके, अपना रोजगार हासिल करने, अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी करने के काबिल हो सकें, ठीक है। और इसके अलावा असराफ व तबजीर, और बुखल की ममानत की गई है ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा फजूल खर्ची ना करें, बल्कि जो वसाइल बच जाते हैं उनको ज़ाया करने की बजाय दीगर अफराद को उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए फराहम करें। इस तरह से दौलत की तकसीम में जो फर्क है उसको कम किया जा सकता है। फिर बात आ जाती है जी, ये तो इनफरादी सतह पे तआवुन था, अब हम कहते हैं कि अगर रियासत कैसे तआवुन की फजा कायम कर सकती है, ठीक है। ये अगर हम देखें, रियासत जो है वो फरोग तआवुन के सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। अवाम हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुक है उसे तआवुन की बुनियाद पे बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। हुकूमत मुख्तलिफ इदारों की बुनियादी जरूरियात जिंदगी से तालीम, सेहत, तहफ़्फ़ुज़, कानूनी तहफ़्फ़ुज़, अपनी माशी पॉलिसियों के जरिए तआवुन को बेहतर कर सकती है। अफराद की सरपरस्त होती है, लिहाजा उनकी जान माल, इज्जत आबरू और माशी खुशहाली की जिम्मेदार होती है। इस तरह शहरियों पर भी वाजिब होता है कि वो अपनी हुकूमत के साथ तआवुन करे, उनकी इताअत करे, उनके कानून पर अमल पैरा हो और माशरे में अमन सुकून फैलाने का बाइस बने और मददगार बने। तो इस तरह से ये तआवुन जो है वो मईशत के मुख्तलिफ शोबों में अहम और मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था।